पहाड़ों में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बरसात के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ चुका है। यहां नदी अपने उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर से अब यहां के तीर्थ पुरोहितों में चिंता है, क्योंकि धाम में मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं। यहां ब्रह्म कपाल के पास रिवर फ्रंट का काम भी चल रहा है, लेकिन अभी तक दीवार का काम न होने से यहां खतरा बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ब्रह्म कपाल से लेकर तप्त कुंड तक का क्षेत्र भारी बरसात में जलमग्न हो सकता है। यहाँ पे काफी सालों से आते हैं और पिछले साल भी जैसे हमने देखा तो ये काम करीबन 4 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यह काम की गतिविधि बिल्कुल से जो है धीमी पड़ी हुई है। और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मलबा अलकनंदा नदी के किनारे यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, जिससे नदी का कटाव पूरा हमारे ब्रह्मकपाल तीर्थ की ओर आ रहा है। और पिछले साल भी हमने यहाँ पे देखा कि जुलाई अगस्त में नदी का स्तर जो है बिल्कुल बढ़ गई, पानी का प्रभाव बिल्कुल ऊपर तक आ चुका था, जिससे हमारे तीर्थयात्रियों को पिंडदान तर्पण करने भी समस्या हो रही है। और यहाँ पर जो हमारे पुरोहित है तीर्थी वो भी जो है हम खतरे के निशान में यहाँ पे रह रहे हैं। पानी का जलस्तर कभी भी आ सकता है। ये नदी जो पहले थी हमारी ये उस तरफ जाया करती थी, लेकिन ये जो गाबर कंपनी अपनी मन से काम कर रही है, जो इन्होंने सारा मलबा इसके ऊपर डाल करके नदी का वो जो कटाव है पूरा ब्रह्म कपाल की ओर कर दिया है, जिससे आने वाले समय में भी हम तीर्थों पर खतरा है और जो आने वाले यात्री हैं वो भी यहाँ पे सही से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पहाड़ों में मानसून से पहले प्री मानसून बरसने लगा है, रोजाना रात को बारिश हो रही है, तो वहीं अब पहाड़ी नदियां जो है अपने पूरे उफान पर दिखाई देने लगी है। इस समय हम मौजूद है प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में। यहाँ पे एक साइड से धौली गंगा आ रही है और दूसरी तरफ से अलकनंदा आ रही है। दोनों के जलस्तर इस समय पूरी तरह से बढ़ चुका है। धीरे धीरे मानसून के दौरान इसका जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि जहाँ ये तीर्थयात्री इस समय खड़े हैं उससे भी ऊपर इसका जलस्तर आ जाता है। लेकिन शुरुआती बारिश है, इसमें जहाँ नदियाँ आधे में बह रही थी वहीं आज अपने पूरा रूप यहाँ पर विस्तार से लेने लगी है। बात करें जो छोटे मोटे नदी नाले हैं या फिर बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर है, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर तरफ अब प्री मानसून की बारिश का असर देखने को मिल गया है। सड़कों पे पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा चरम पे है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चरम पर है और अब मानसून दस्तक देने ही वाला है। उससे पहले प्री मानसून की जो बारिश हुई है उसने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कमलेन सिलोड़ी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। वहीं आपको बता दें कि प्री मानसून के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पानी का भराव देखने को मिल रहा है। ये तो केवल अभी मानसून सीजन की शुरुआत है। अगर लगातार बारिश होती रही तो चारधाम के रास्तों पर पानी के भराव के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं जोशीमठ मारवाड़ी से विष्णु प्रयाग खतरे में है। बता दें कि पिछले साल मानसून के समय सड़क का आधा हिस्सा ढह गया था और सड़क पूरी तरह से पतली हो गई थी। वहीं अभी भी यहां सड़क सही से नहीं बनी है और आज भी आवाजाही एक एक करके करवाई जा रही है। तो वहीं मानसून की बारिश होने के साथ यहां पर खतरा और बढ़ सकता है और ऐसे में यहां पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर समय रहते रास्ते को नहीं बनाया गया तो परेशानी हो सकती है। चमोली से कमल नैन की रिपोर्ट।